हे दोस्तों, स्वागत आप सबका। मैं हूं राहुल, एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ voxmediasolution.com। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं गूगल एड्स के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी गूगल एनालिटिक्स के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा और अगर आपको गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियोज देखना है तो आप मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके आप मेरा गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और उससे रिलेटेड आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि गूगल एड्स क्या होता है, गूगल एड्स कैसे काम करता है, इसके कौन कौन से कैंपेन टाइप्स होते हैं, इसके फ्यूचर्स एंड इसकी सर्विसेज क्या क्या होती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में और इसका कोर्स आप कहां से कर सकते हैं, इसकी कितनी फीस होती है। आज के वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको ऐसे वीडियोस लगातार देखने हैं, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, मोटिवेशनल वीडियोस देखने हैं तो मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे तो आपको रेड बटन का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उस पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे हमेशा डिजिटल मार्केटिंग सीखते रहे, मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहे और अपने बिजनेस को ग्रो करते रहे। दोस्तों, मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं, मेरे ट्यूटोरियल अगर आप देखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे नए चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप मेरे डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल एड्स क्या होता है। दोस्तों, गूगल एड्स गूगल का ही एक प्रोडक्ट है जिसको आप एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। दोस्तों, गूगल एड्स को जो है गूगल ने ही डेवलप किया है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के लिए। आप इसको एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई सर्विसेज है या कोई आपका प्रोडक्ट है और आप इसको ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, लोगों तक अपना बिजनेस ऑनलाइन पहुंचाना चाहते हैं, तो आप गूगल एड्स का यूज करके आप अपना बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। जो भी आपके कस्टमर्स हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स हैं, आप उनको ऑनलाइन टारगेट करना चाहते हैं, बिजनेस आप ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं, तो गूगल एड्स का यूज करके आप ऑनलाइन अपना एड प्रमोट कर सकते हैं, बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है गूगल एड्स कैसे काम करता है। दोस्तों, गूगल एड्स देखिए हमेशा एड शो करता है, एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, तो गूगल एड्स जो हमेशा किसी भी डिवाइस के अंदर ही हमेशा एड शो करता है। चाहे अगर आप कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको एड शो होता है, अगर आप कोई लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसमें आपने वेबसाइट ओपन कर रही है तो वहां पे भी आपको एड शो होता है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो हमेशा किसी ना किसी डिवाइस का यूज करता है और ये जिस भी डिवाइस का यूज करता है, जिस भी डिवाइस में अपने एड शो करता है, हमेशा उसकी ये हिस्ट्री का यूज करता है, उसकी कुकीज का यूज करता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपकी कोई सर्विसेज है, आपका कोई प्रोडक्ट है और उसको आप ऑनलाइन प्रमोट करना चाहते हैं और गूगल में कोई आपका कस्टमर है वो ऑनलाइन आके बिजनेस से, आपके बिजनेस से रिलेटेड आके सर्च कर रहा है, तो अगर वो कोई बंदा सर्च कर रहा है आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो उसकी एक सर्च हिस्ट्री बन जाती है और अगर वो कौन सा कीवर्ड टाइप कर रहा है वो उसका कीवर्ड हिस्ट्री बन जाता है और वो कौन सी लोकेशन से आपके प्रोडक्ट या आपके बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा है वो उसकी लोकेशन हिस्ट्री बन जाती है। और उसके बाद मान लीजिए आपको उसी बंदे को टारगेट करना, आपका बिजनेस उस बंदे को प्रमोट करना है, उस बंदे के पास आपका बिजनेस पहुंचाना है, तो गूगल एड्स उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उसके कुकीज के अकॉर्डिंग उसको टारगेट करता है, उसके डिवाइस को टारगेट करता है और वहां पे जो है आपके एड शो करवाता है। अगला पॉइंट है कैंपेन्स टाइप। कितने प्रकार के कैंपेन्स टाइप होते हैं गूगल एड्स में जिससे बिजनेस प्रमोशन किया जाता है। देखिए दोस्तों, गूगल एड्स ने क्या किया है, अलग अलग कैंपेन्स टाइप बनाए अलग अलग तरीके से बिजनेस प्रमोशन करने के लिए। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है जिसको आपको प्रमोट करना है, ऑनलाइन प्रमोशन करना है, तो उसको आप अलग अलग तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप अपना प्रोडक्ट या बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हैं। यहां पे कुछ 5 ऐसे एड्स कैंपेन बनाए गूगल एड्स ने जिसके थ्रू अलग अलग तरीके से आप जो है बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। पहला होता है सर्च एड कैंपेन। सर्च एड कैंपेन में मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विसेज है और वहां पे गूगल में आके कोई आपका कस्टमर है और वो गूगल में आके आपके बिजनेस रिलेटेड कोई सर्च कर रहा है, तो वहां पे जो है उनको सर्च एड एक टैग्स एड दिखाया जाता है जिसमें जो है आपके बिजनेस की लिंक होती है और आपका एड वहां पे शो होता है। उसके बाद होता है डिस्प्ले एड कैंपेन। डिस्प्ले एड कैंपेन एक ऐसा कैंपेन होता है जिसमें आप एक अपना बैनर बना सकते हैं, आप एक अपनी इमेज क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट या फिर आप अपनी सर्विसेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप इस इमेज में लगा सकते हैं और उस इमेज में लगा के आप बहुत सारी वेबसाइट्स को टारगेट करके वहां पे जो अपना एड लगा सकते हैं। तीसरा होता है वीडियो एड कैंपेन। वीडियो एड कैंपेन जो हमेशा यूट्यूब को टारगेट करके चलाया जाता है। अगर मान लीजिए आपको आपका बिजनेस है, सर्विसेज या फिर आपके कोई प्रोडक्ट है और आपको उसको वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रमोट करना है,
वीडियो फॉर्मेट में आपको आपके बिजनेस की डिटेल लोगों तक पहुंचानी है तो आप एक अपना छोटा सा वीडियो बना सकते हैं और उसको जो है यूट्यूब के वीडियो टारगेट करके या यूट्यूब के चैनल टारगेट करके आप वहां पे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं। अगला होता है ई कॉमर्स कैंपेन। अगर मान लीजिए आपका कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर आपके ई कॉमर्स प्रोडक्ट है तो वो आप ई कॉमर्स एड कैंपेन के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हैं। गूगल में आके आपका कोई कस्टमर है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड वहां पे सर्च कर रहा है तो वहां पे जो है आपकी ई कॉमर्स कैंपेन आपको शो होते हैं, उसको बोला जाता है ई कॉमर्स कैंपेन। अगला होता है ऐप इंस्टॉल कैंपेन। अगर मान लीजिए दोस्तों आपका कोई ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन आपने बनाया है और आपका उसको आपको प्रमोट करना है लोगों के मोबाइल में, आपको आपका ऐप जो है इंस्टॉल करवाना है तो आप ये वाला कैंपेन रन करके जो है अपना ऐप जो है इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगला पॉइंट है फ्यूचर्स एंड सर्विसेज। दोस्तों देखिए गूगल एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एड्स ही रन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों गूगल एड्स जो है ऑनलाइन एड्स रन करने के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी एड्स फ्यूचर्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जिससे आप अपना एड कैंपेन और भी बेटर तरीके से बना के आप अच्छे से अपना प्रमोशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड प्लानर के बारे में। कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स का एक ऐसा फ्यूचर है जिसका यूज करके आप जो है अपने कीवर्ड्स के बारे में आप आइडियाज ले सकते हैं। आपका जो भी बिजनेस है, प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, आप उसके बारे में जो है आपके कीवर्ड जो भी आपके कीवर्ड्स हैं, आपके क्लाइंट किस तरह से आपको जो है सर्च करते हैं, आपके बिजनेस के बारे में सर्च कर सकते हैं, वो कंप्लीट आइडियाज जो है आप गूगल कीवर्ड प्लानर की तरफ से आप ले सकते हैं। अगला फ्यूचर है गूगल एड्स एडिटर। देखिए दोस्तों अगर आप गूगल एड्स रन करते हैं और आपका कोई बिजनेस है या फिर आप कोई कैंपेन रन करते हैं, काफी सारे कैंपेन्स आप रन करते हैं अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो आपके पास एक के अलावा और भी सारे बहुत सारे कैंपेन्स हैं। और अगर मान लीजिए आपको किसी कैंपेन में आपको एडिट करना है या फिर आपको मल्टीपल कैंपेन्स में एक साथ एडिट करना है तो आप गूगल एड्स एडिटर का यूज कर सकते हैं। गूगल एड्स एडिटर क्या होता है, एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है या एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज करके आप ऑफलाइन भी अपना गूगल एड्स के अंदर जो भी आपके कैंपेन्स हैं उनको आप ऑफलाइन भी आप एडिट कर सकते हैं और एक साथ काफी सारे कैंपेन्स में आप एडिट कर सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। अगला है गूगल एड्स मैनेजर। दोस्तों गूगल एड्स मैनेजर एक ऐसा फ्यूचर या एक ऐसा सर्विस होता है गूगल एड्स की तरफ से जिसमें आप सिर्फ एक अकाउंट में काफी सारे अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई एजेंसी है, आपकी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और आपके पास काफी सारे क्लाइंट्स हैं जिनके आपको अलग अलग अकाउंट्स बना के अलग अलग बिजनेस जो है प्रमोशन करना है, तो अगर आपके पास काफी सारे ईमेल आईडीज नहीं है तो आप सिर्फ एक गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट बना के वहां पे आप बहुत सारे अकाउंट भी बना सकते हैं। अगला फ्यूचर है प्लेसमेंट टारगेटिंग। दोस्तों प्लेसमेंट टारगेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई सर्विसेज है जिसको आपको सिर्फ एक प्लेसमेंट टारगेट करना, मान लीजिए आपको सिर्फ कीवर्ड्स पे ही अपना बिजनेस प्रमोशन करना है या फिर आपकी कोई एक ऑडियंस है, एक ही ऑडियंस को आपको टारगेट करना है या फिर आपको यूट्यूब में किसी एक ही चैनल को टारगेट करना है या फिर आपको किसी एक ऐसी वेबसाइट को टारगेट करना है जहां पे आपकी सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है, तो आप प्लेसमेंट टारगेटिंग के थ्रू ये सारा आप काम कर सकते हैं। प्लेसमेंट टारगेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर आप एक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, एक वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं, एक चैनल को टारगेट कर सकते हैं और वहां पे आप अपना बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। अगला है रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग दोस्तों एक ऐसा टूल होता है या एक ऐसी सर्विसेज होती है गूगल एड्स की जिसके थ्रू जो है आप जो है अपने क्लाइंट्स को रीटारगेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, कोई सर्विसेज है या फिर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और आपके काफी सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, पुराने जो आपके कस्टमर्स हैं उनको आप रीटारगेट करना चाहते हैं, दोबारा से अपना एड आप दिखाना चाहते हैं, तो रीमार्केटिंग फ्यूचर से आप वो सारा काम कर सकते हैं। रीमार्केटिंग फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होता है जिसके थ्रू आपके जो पुराने कस्टमर्स हैं, पुराने क्लाइंट्स हैं, उनको आप दोबारा से ऐड दिखा सकते हैं और आप अपना बिजनेस दोबारा से उन तक पहुंचा सकते हैं। अगला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ गूगल एड्स। आप जब भी कोई कैंपेन रन करते हैं तो कौन कौन से बेनिफिट्स जो आपको गूगल एड्स की तरफ से मिलते हैं। पहला होता है बेटर देन एसईओ। बेटर देन एसईओ दोस्तों एक ऐसा बेनिफिट होता है जिसमें आपको एसईओ से ज्यादा जो है बेनिफिट मिलता है। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपका कोई सर्विसेज, आप किसी वेबसाइट के थ्रू आप प्रमोट कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पोजीशन पे रैंक नहीं कर रही, आपको जो है काफी टाइम हो गया लेकिन आपकी वेबसाइट गूगल पे टॉप पोजीशन पे रैंक नहीं कर रही और आपकी वेबसाइट अगर टॉप पोजीशन पे रैंक नहीं कर रही तो आपको वहां से बिजनेस में नहीं मिल, लेकिन अगर आप गूगल एड्स का यूज कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का एसईओ हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप एड रन कर रहे हैं तो तुरंत आपका जो एड है टॉप पोजीशन पे आ जाता है और उसके बाद अगर कोई क्लाइंट है आपका और गूगल पे आपकी सर्च कर रहा है तो वहां पे आपका एड दिख जाता है जिससे आपके एड पे क्लिक होने के बाद कस्टमर सीधा आपकी वेबसाइट पे विजिट कर लेता है और उससे जो है आपका जो है वहां पे
बिजनेस प्रमोशन हो जाता है। अगला होता है फास्ट रिजल्ट। देखिए दोस्तों, आपकी वेबसाइट आपने बनाया और उसके बाद आपने एसईओ के लिया, लेकिन उसके बाद भी आपका वेबसाइट गूगल पे टॉप पोजीशन पे रैंक नहीं करा। अगर आप किसी भी वेबसाइट को बनाते हैं उसके बाद उस वेबसाइट का एसईओ करते हैं तो मिनिमम 2-3 मंथ में आपकी वेबसाइट गूगल पे रैंक करने लगती है। लेकिन अगर भी उसके बाद भी रैंक नहीं कर रही तो कोई ऑप्शन नहीं है आपकी वेबसाइट को और भी अच्छे से रैंक करवाने का। लेकिन अगर आप गूगल एड्स का यूज कर रहे हैं तो इमीडिएटली आप अपनी वेबसाइट को जो है टॉप पोजीशन पर रैंक करवा सकते हैं और फास्टली अपना बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं। अगला बेनिफिट है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। देखिए दोस्तों, अगर आप गूगल एड्स का यूज कर रहे हैं, बार बार अपने एड कैंपेन आप रन कर रहे हैं, हर जगह पर आपका कैंपेन रन कर रहा है और आपके कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर है, आपके बिजनेस के बारे में सर्च कर रहा है और उसको बार बार आपका एड दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एड, आपका जो ब्रांड है, उसका नेम आप उसके दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। होता है रिकनेक्ट विद कस्टमर। देखिए दोस्तों, अगर आप रिकनेक्ट होना चाहते हैं अपने पुराने कस्टमर्स के साथ तो गूगल एड्स एक अच्छा ऑप्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिमार्केटिंग करके आप जो है अपने पुराने कस्टमर्स के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट पे अपना बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं और आप अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली एसईओ के थ्रू आप अपना बिजनेस प्रमोशन कर रहे हैं तो वहां पर रिकनेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं आता। लेकिन अगर आप गूगल एड्स का यूज कर रहे हैं तो आप अपने पुराने कस्टमर्स के साथ रिकनेक्ट हो सकते हैं, उनको रिटारगेटिंग आप कर सकते हैं, उनको रिटारगेट आप कर सकते हैं और दोबारा से आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप अपने पुराने कस्टमर्स को आप आसानी से सेल कर सकते हैं। अगला टारगेट रियल ऑडियंस। देखिए दोस्तों, अगर आप चाहें तो गूगल एड्स के थ्रू आप अपनी रियल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड जो भी आपकी रियल ऑडियंस है उन तक आप गूगल एड्स के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि गूगल एड्स हमेशा हिस्ट्री के अकॉर्डिंग काम करता है, तो अगर मान लीजिए आपकी ऑडियंस है तो उनको आप आसानी से उनके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग, उनकी सर्च हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, उनके आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग आप अपनी रियल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कोर्स एंड फीस। आप गूगल एड्स का जो है कोर्स कहां से कर सकते हैं और इसका कितना फीस होता है गूगल एड्स का कोर्स करने के लिए। देखिए दोस्तों, गूगल एड्स का कोर्स आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहला आप ऑनलाइन कर सकते हैं और दूसरा ऑफलाइन। अगर आपको ऑनलाइन गूगल एड्स का कोर्स करना है तो आप बहुत सारे वीडियोस भी देख सकते हैं, उसके लिए आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स भी होती है जो आपको ऑनलाइन गूगल एड्स का कोर्स जो है प्रोवाइड कर सकती है, जैसे आप यूट्यूब में देख सकते हैं और भी ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको काफी सारी वेबसाइट जो है यहां से मिल जाएगी। आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से इसका कोर्स बाय करके आप जो है गूगल एड्स कंप्लीटली सीख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके फीस की। दोस्तों फीस जो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे जो है अलग अलग होता है। अगर आप ऑनलाइन गूगल एड्स का कोर्स कर रहे हैं तो वहां पे आपको अलग फीस मिलती है। जिस भी आप अगर किसी भी वेबसाइट से अगर आप गूगल एड्स का ऑनलाइन कोर्स खरीद रहे हैं तो उस वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है चार्जेस मिल जाते हैं। अगर आप ऑफलाइन आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको जो है अलग अलग चार्जेस मिलते हैं। तो दोस्तों ये था आज का गूगल एड्स से रिलेटेड वीडियो, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली गूगल एड्स के बारे में गाइड किया है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गूगल एड्स की कंप्लीट जानकारी दी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मुझे आपके एक सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे डिजिटल मार्केटिंग वीडियोस लगातार डालता रहूं, आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल्स डालना स्टार्ट करूं, तो आपको मुझे सपोर्ट करना होगा। आप मेरे चैनल को अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर बटन पर क्लिक करके जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स आए और मैं आपके लिए इसी तरह से लगातार वीडियोस डालता रहूं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और आप मुझे ये भी कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों वीडियोस लगातार देखने के लिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।